स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो स्टैंडर्ड, जब हम लोग वर्ड स्टैंडर्ड यूज करते हैं ना, तो हमारा सिंपल मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी यूज एज अ रेफरेंस टू एवरेज थिंग्स. सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो एक व्हाट वी कैन से रेफरेंस यूज किया जाता है एवरेज टेम्परेचर और प्रेशर के रिगार्डिंग. अब अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है दैट इज नथिंग बट 273 केल्विन्स. ठीक है. और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि याद रखना होता है कि स्टैंडर्ड चीजें जो होती है वो हमेशा अपने SI यूनिट्स में होनी चाहिए. यू कैन नॉट टेक स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, क्योंकि केल्विन्स जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, फिर स्टैंडर्ड यूनिट है तो आपको यूनिट भी उसका केल्विन्स में यूज करना पड़ता है टेम्परेचर के केस में. वेयरएज अगर आप प्रेशर बात करें तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, अगर वो कोई आपसे पूछ ले स्टैंडर्ड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड प्रेशर आता है आप लोगों का कितना, 1 एटमोसफियर, विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 760 टॉर. ठीक है. देखो प्रेशरमेंट, प्रेशर कैलकुलेट करने का बहुत ज़्यादा यूनिट्स होते हैं, वो 760 mm Hg भी यूज़ कर सकते हैं, देन 76 cm Mercury. मर्क्यूरी क्योंकि उसमें कैपिलरी एक्शन होता था, मतलब स्टार्टिंग में जो प्रेशर मेजरमेंट था वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू किया था वाया मर्क्यूरी, तो वो 760 mm Hg आया था, तो उसको हम लोगों ने 1 एटमोसफियर कहा था. उसके बाद वो टॉर में मेजर होने लगा, देन पास्कल्स हो गया, देन डायन्स हो गया, तो बहुत सारे अलग अलग प्रेशर के यूनिट्स हैं, बट अगर टॉर की बात की जाए तो दैट इज योर स्टैंडर्ड यूनिट. अब बात की जाए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जरूरी क्यों है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरली गैसियस सिस्टम्स में अप्लाई होते हैं. बहुत सारे लॉज हैं जो इससे इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के केसेस में भी ली गई है. चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड STP की कंडीशंस की बात चल रही है वहां पर भी. अब अगर आइडियल लिक्विड या फिर आइडियल सॉल्यूशन की बात की जाए तो वहां पर भी STP के कंडीशंस जो है वो लगाने पड़ते हैं. हाँ, STP अटेन करना बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है, क्योंकि STP अटेन करने के लिए आप लोगों को ऑलमोस्ट वैक्यूम कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी. यू वांट 273 केल्विन्स. ठीक है. और स्पेसिफिकली मतलब अगर मैं एकदम एक्यूरेट वैल्यू बोलूँ तो दैट इज 273.15 केल्विन्स. उतना वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको बहुत वैक्यूम एरिया चाहिए रहेगा. यू विल नीड वेरी स्पेशलाइज्ड कंडीशंस, एंड दैट इज वाई जो एवरेज रिएक्शंस होते हैं, जो एवरेज लेबोरेटरीज होती हैं, वहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है, इसलिए रिएक्शंस में एरर्स आते हैं. अब वाटर मॉलिक्यूल के केस में अगर हम कहें कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स हाउ मेनी लीटर्स, तो आप लोग अगर बात करो तो अगर किसी ने पूछ लिया कि 1 मोल ऑफ N2 गैस हैज हाउ मेनी लीटर्स, तो ये फिक्स चीज है. ये फिक्स चीज कैसे है, ये हमेशा 22.4 लीटर्स ही देगा. ये कैसे हुआ, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस में मेजर्ड क्वांटिटीज है. ठीक है. ये ऐसी हवा में की भी बातें नहीं है, ये सब मेजर्ड क्वांटिटीज है. तो अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई भी गैस जो है उसका 1 मोल 22.4 लीटर्स ही कैरी करेगा. स्टैंडर्ड कंडीशंस ही अप्लाई की जाती है ताकि आपको परफेक्ट वैल्यूज मिल सके. अब जब यील्ड की बात की जाती है किसी भी रिएक्शन के एंड में, तो आप लोगों के पास बुक में लिखा हुआ थ्योरेटिकल यील्ड होता है, और जो आप निकालते हो वो क्या होता है, प्रैक्टिकल यील्ड होता है. तो थ्योरेटिकल यील्ड अगर आप नोटिस करोगे ना, तो वहां पर हमेशा STP दिया रहता है. ऐसा STP क्यों दिया रहता है, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो आपको एकदम 100% परफेक्ट कंडीशंस में जो आपका यील्ड आना चाहिए वो बताता है. तो वो कंडीशन सिर्फ STP हो सकती है. बट आप जो निकालते हो वो आप निकालते हो RTPP, दैट इज रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच आर डिफरेंट केसेस. अब अगर बात की जाए केमिस्ट्री में, तो रूम टेम्परेचर आप क्या होता है, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन लिया जाता है. ठीक है. इनमें कितना डिफरेंस है, 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है. मतलब ये जीरो है और इसमें अगर आप 25 प्लस करोगे तो आपको 298 मिलता है. तो यहाँ पर एरर देखो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा स्टैंडर्ड के कंपेरेटिवली. तो इसीलिए प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड आपकी सेम कभी नहीं आने वाली है. क्यों, क्योंकि थ्योरेटिकल के लिए STP लिया गया था और आप RTP में कर रहे हो सारी की सारी चीजें. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर.